हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सैक और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक्निकल माइंड चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक गजब की ट्रिक लेके आया हूँ, जिस ट्रिक को अगर आप सीख लेते हो और जान लेते हो तो उस ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड की या अपने गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड है तो उसके फ़ोन के कॉन्टैक्ट ऑडियो वीडियो जो कुछ भी आप अपने फ़ोन में मंगाना चाहते हो वो आप मंगा सकते हो। उसकी कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग सारा कुछ आप मंगा सकते हो। बस जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा वो ट्रिक आपको फॉलो करनी होगी उसके फ़ोन में। इसके बाद आपके जो वो भी फ़ोन जो यूज करेगा अपने फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट ऑडियो वीडियो वो सारे कुछ आपके फ़ोन में आते रहेंगे। अगर आपको भी जाननी है ट्रिक तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस तरीके से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको एक कमेंट कर देना है जिस तरीके से आपको वीडियो लग रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तब भी आप हमें कमेंट में कह सकते हैं मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा और प्ले स्टोर में आपको सर्च कर देना होगा सुपर बैकअप एंड रीस्टोर। इसके बाद आपको ये जो एप्लीकेशन आ रही है ये एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना होगा। इस एप्लीकेशन की लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी एप्लीकेशन से आप किसी के भी जो कॉन्टैक्ट ऑडियो वीडियो अपने फ़ोन में देख सकते हो। अब चलिए दोस्तों, ऐसे एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और इसमें सेटअप करके आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन आएंगे, चार पांच परमिशन आएंगे, वो आपको दे देनी होंगी। इसके बाद इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स का बैकअप ले सकते हैं, SMS, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, कैलेंडर, कॉल रिकॉर्डिंग, पिक्चर। तो आप इस तरीके से जो अपने फ़ोन में जो है बैकअप ले सकते हैं। जिसके तो आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों ये सारा काम आपको करना होगा जिसका फ़ोन आपको जो है जिसके फ़ोन के कॉन्टैक्ट ऑडियो वीडियो अपने फ़ोन में देखने हैं उसके फ़ोन में ये सारा काम कर देना होगा। उसका फ़ोन एक मिनट के लिए ले लेना होगा और उसके फ़ोन में ये जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर देनी होगी। इसके बाद उसके फ़ोन में अपनी जीमेल आईडी भी ऐड करनी पड़ेगी, तभी ये प्रोसेस जो है सक्सेसफुली वर्क करेगा। क्योंकि दोस्तों जीमेल आईडी से ही आपकी जो है, क्योंकि आपके फ़ोन की जो जीमेल आईडी आप जिस पे बैकअप लेना चाहते हो तो वो जीमेल आईडी उसके फ़ोन में जो है आपको लॉगिन कर देनी होगी। तो यहाँ पे जब आप उसके फ़ोन में जीमेल आईडी लॉगिन कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है एक जीमेल आईडी लॉगिन है, सिर्फ pramod790@gmail.com। तो ये जीमेल आईडी इसी फ़ोन की है और मैंने इसमें जो है अलग से जीमेल आईडी ऐड की हुई है, तो monu9067@gmail.com। तो मैंने इस फ़ोन में जो है अलग से जीमेल आईडी लॉगिन की थी और एक ये MM6535942 ये भी मैंने जो है कि जीमेल आईडी लॉगिन की थी यहाँ पे। तो मैं इसमें जो है मोनू ये मेरे फ़ोन की जीमेल आईडी है, तो मैं अलग फ़ोन यूज करता हूँ उसके फ़ोन की जीमेल आईडी, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन की है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये थोड़ी देर के लिए लोडिंग होगा क्योंकि इसी जीमेल आईडी पे मैं सारे फ़ोटो और वीडियो इस फ़ोन के सेंड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि आप प्रोसेस जो है सही से फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आना और आपको अलाउ कर देना होगा। अब इस फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट वीडियो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग जो भी होगी वो डायरेक्ट आपके जो है गूगल ड्राइव में और जीमेल आईडी पे जाके सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये है ट्रिक यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली जो है जीमेल आईडी लॉगिन हो चुकी है, यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। अब यहाँ पे एक काम और करना है दोस्तों, 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे शेड्यूल सेटिंग पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे नो आपको जो है कोई भी लिमिट हो तो यहाँ पे आपको नो लिमिट कर देनी होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर SMS बैकअप, आप जो है SMS का बैकअप किस तरीके से लेना चाहते हैं रेगुलर या और तरीके से, तो यहाँ पे अलाउ करना होगा आपको और यहाँ पे दोबारा से करना होगा। अगर आप एवरी डे यानी कि डेली बाय डेली लेना चाहते हैं तो एवरी डे पे सिलेक्ट कीजिए, 3 दिन बाद लेना चाहते हैं तो 3 दिन
50 डेज मंथ आप जैसा सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से बैकअप लेना चाहते हैं अपने फ़ोन में वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं जो एवरी डे का लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो फ़ोन में जीमेल आईडी पे एवरी डे की इस फ़ोन की जो मैसेज हैं वो हमारे जीमेल आईडी जो मैंने यहाँ पे ऐड की थी उस पे जो है डेली बाई डेली पहुँचते रहेंगे एस एम एस। इसके बाद रेगुलर कॉन्टैक्ट बैकअप, यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट ये बंदा सेव करेगा या ऐड करेगा वहाँ पे ये जो मैं एवरी डे पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके जो कॉन्टैक्ट है वो डेली बाई डेली हमारे जो जीमेल आईडी पे अपलोड होते रहेंगे। और इसके बाद रेगुलर कॉल लॉक बैकअप, यहाँ पे जो कॉल लॉक बैकअप है वो मैं एवरी डे पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद रेगुलर कैलेंडर बैकअप, यहाँ पे भी मैं एवरी डे करके रखा है। इसके बाद आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, गूगल ड्राइव पे या जीमेल पे, तो आप जैसे सेंड कर सेव करना चाहते हो वो कर लीजिए। तो मैं अपने गूगल ड्राइव में डायरेक्ट सेव करना चाहता हूँ, तो मैं जो है क्लिक कर देता हूँ। अब इसके जो भी मैसेज हैं इस पर भी मैं क्लिक करके देखता हूँ, तो यहाँ पे नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, तो इसलिए इसे हटाना पड़ेगा तभी होगा। तो इसे मैं गूगल ड्राइव में ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी ऑडियो वीडियो और कॉन्टैक्ट होंगे वो आपके गूगल ड्राइव में जाके डायरेक्टली सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये सारा काम आपको करना है उस विक्टम के फ़ोन में, जिस विक्टम के कॉल लॉग और ऑडियो वीडियो फ़ोटो आप अपने फ़ोन में देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे फ़ोन की जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे इस जीमेल आईडी में सारे इस फ़ोन के कॉन्टैक्ट आते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साइड में ये जीमेल आईडी है, तो इस जीमेल आईडी में सारे कॉन्टैक्ट ऑडियो वीडियो यहाँ पे मेरे पास आते रहेंगे।